वानी में डीएम सविन बंसल ने शिविर कार्यालय में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु प्रशासनिक स्तर किए गए कार्यों की समीक्षा की, जहां उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संक्रमण के दौर में जनपद वासियों को कोई कठिनाई न होनी चाहिए, जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करें, सभी अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें, अपने को सुरक्षित रखते हुए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में मेयर गौरव गोयल और पार्षद समेत 20 अन्य लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेयर और पार्षद ने इमली रोड पर सफाई कर्मचारियों के स्वागत के दौरान एक जुलूस निकाला था। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी छतों से फूल बरसाकर पुलिस कर्मियों, सफाई नायकों और कर्मियों का स्वागत किया। इसके लिए मेयर गौरव गोयल और पार्षद संजीव राय टोनी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में घूमे, उनके साथ लोगों का भारी हुजूम भी चलता नजर आया। इसका फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद कोतवाली सिविल लाइन में मेयर गौरव गोयल, पार्षद संजीव राय टोनी ने 20 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले पर मेयर गौरव गोयल का कहना है कि कोरोना की जंग में लड़ रहे सिपाहियों का सम्मान किया गया है। कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो पुलिस कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हमारा प्रयास है कि सब लोगों ने मिलकर के, टोनी भाई और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के आप इनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। इस विकट परिस्थिति में जबकि देश महामारी से गुजर रहा है, जो भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हों, सुरक्षा कर्मी हों, सेवा कर्मी हों, कोरोना जैसी वायरस से लड़ने के लिए नगर निगम के सभी हमारे कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार सैनिटाइजिंग हो रहा है, फोक मशीनें चल रही हैं, मच्छर को मारने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, आपके साथ साथ नाले चल रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर सफाई का क्रम प्रॉपर ना चल रहा हो या पहले से भी अच्छा ना चल रहा हो। इसके लिए कोतवाली सिविल लाइन्स रुड़की में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने संबंधी एक प्रकरण में अंतर्गत धारा 188-336 IPC और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें मेयर साहब और अन्य कई लोगों के विरुद्ध ये अभियोग दर्ज हुआ है। मेरी एक बार पुनः सबसे अपील है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव का एकमात्र माध्यम है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही परेशानी को लेकर विधायक वीणा गंगोला ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है, जहां आवश्यक सामग्री, रसोई गैस के सिलेंडर और खाद्य लाने पर वाहनों का चालान कर सीज कर दिया गया है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी हो रही है। विधायक मीना गंगोला ने बताया कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी से वार्ता की जाएगी और आवश्यक सामग्री के वाहनों को रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। लॉकडाउन के नाम पर जनता को परेशान करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य नंदन बाफिला सहित अधिकारी मौजूद रहे। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज राशन नहीं पहुंच पाया है, क्या कारण रहा, कहीं रोड ब्लॉक रही, इस कारण बस राशन गोदाम में यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, आज वो अभी उपलब्ध हो गया है। 2-3 दिन के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन पहुंच जाएगा और बढ़ भी जाएगा। और बहुत सारी किल्लत गैस, एक बहुत अच्छे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे वो एक मंडल के अध्यक्ष रहे हैं यमकेश्वर ब्लॉक के, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और उनका जो सामाजिक योगदान है, निश्चित रूप से उनकी याद ये वहाँ का समाज हमेशा करता रहेगा। यमकेश्वर काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है पौड़ी जिला मुख्यालय से, और वहाँ पर उन्होंने एक महाविद्यालय की भी उन्होंने वहाँ पर स्थापना की, और जिसमें आज सैकड़ों बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं। विशेषकर जो बेटियां हैं, कई बार घर से लड़कों को तो लोग बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए माँ बाप, लेकिन बेटियों को संकोच बस असुरक्षा के भाव के कारण नहीं भेजते हैं, तो उन्होंने उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। योगी जी के पिता तो थे ही निश्चित रूप से,
जो उनकी संतति है वो भी, एक योगी जी जिस तरह से यूपी में काम कर रहे हैं वो एक उसका अपनी जगह है, लेकिन स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी का अपना भी एक व्यक्तित्व था, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके लिए अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनका जो परिवार है, बहनें हैं, उनके बेटे हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन सबको इस कष्ट को सहने की शक्ति परमात्मा दें, ऐसी कामना करता हूँ। देखिए उसके बारे में, क्योंकि राज परिवार ही वहाँ का घोषणा करता है, और आज जो महाराजा मनविंदर शाह जी हैं उन्होंने आज डिक्लेयर किया है कि 15 मई को प्रातःकाल 4:30 बजे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे, और 5 मई को जो अखंड दिया बद्रीनाथ जी के मंदिर में जलता है उसके लिए गाढ़ू घड़ा, उसकी रस्म होती है, एक तरह से तेल निकाला जाता है तेल से, तो वो रस्म जो है वो 5 मई को होगा। देखिए केदारनाथ जी का जो संबंध है वो बद्रीनाथ जी से है, तो सामान्यतः ये परंपरा रही है कि वो पहले दिन खुलता है, लेकिन जो हमारे आचार्य लोग हैं उनसे पूछताछ करके फिर उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा कि वो एक दिन पहले ही खुलेगा या जो भी वो प्राविधान बताएंगे उस हिसाब से खोला जाएगा। नहीं, काफ़ी रियायत दी गई हैं, जैसे इंडस्ट्री को खोलने के लिए परमिशन किया है, जो निर्माण कार्य हैं उनको खोला गया है, जो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो दुकानें हैं उनको खोलने के लिए परमिशन किया है, जो मोटर मैकेनिक हैं उनको ओपन किया गया है, इसी तरह से अनेक ऐसे जो काम हैं जो प्रारंभ हो गए हैं, एक तरह से अब आर्थिक गतिविधियां थोड़ा बहुत ये प्रारंभ कर दी गई हैं। अभी हम बात कर रहे थे पूरे प्रदेश की, हमारी क्या हालात हैं? देखिए राज्य में अभी हम ये कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कुछ जमातियों के द्वारा ज़रूर दिक्कतें आई हैं, कुछ लोग बाहर से आए और वो संक्रमित पाए गए, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, जिस तरह से वो लोग फ्रंट लाइन में रह कर के काम कर रहे हैं। आज समाज ये मानने लगा है कि सरकार किस ढंग से काम करती है और किस ढंग से कर सकती है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, आज उनका आत्मविश्वास ये बढ़ा है। देखिए मैं प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से पिछले 22 मार्च से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग आपका आगे भी बना रहे, इसके लिए मैं उनसे बिल्कुल विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये इसका कोई रूप नहीं है, ये किस रूप में सामने आ जाए, किस रूप में अटैक कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता है, और उसके लिए सामाजिक दूरी से बढ़िया कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। वैज्ञानिक आज यही सजेस्ट कर रहे हैं, यही सुझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि आप सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, कोरोना आपके पास नहीं आएगा। ये जो लक्ष्मण रेखा है सामाजिक दूरी की, वही इसका समाधान है, उसको बनाए रखें, ये मैं अपील करता हूँ। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जहां पर वो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता को। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच रुद्रप्रयाग जिले में एक दूल्हा 3 लोगों को साथ लेकर दुल्हन लेने निकल पड़ा। इस बीच दूल्हा लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहा है और प्रशासन की अनुमति के बाद ही बारात लेकर निकला। रुद्रप्रयाग जिले के कोट गांव निवासी सूरज का विवाह था और विवाह में 5 लोग से ज्यादा लोग के जाने की अनुमति नहीं है, जिसके बाद सूरज 3 अन्य लोगों को साथ लेकर जिले के गुंजा कंडारा बारात लेकर निकला। और इस बारात में बैंड बाजा कुछ नहीं है। सूरज का कहना है कि मात्र 4 लोग बारात के लिए निकले हैं, 5वें व्यक्ति के रूप में दुल्हन आएगी। और बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल मई शादियों के दिन रहते हैं।
रात जा रही है कोर्ट से योजा कंडारा, चार लोग जा रहे हैं, पांचवी दुल्हन आएगी वहाँ से। और बाकी सीधा सिंपल शादी हो रही है और कुछ नहीं है? नॉर्मल नॉर्मल, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट के, जो जो डीएम से परमिशन मिली है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो मित्र ही बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।